अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओ माई प्लेट बाय गज़ाला। तो आज ओ माई प्लेट में क्या बनाने जा रहे हैं हम, ऐसी डिश जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये है चिकन की संगदानी और पोटी की रेसिपी। आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो हमें चाहिए होंगे आधा किलो पोटा संगदाना। आधा किलो हमने पोटे लिए थे, मैंने इसको बीच में से काट दिया है। 4 खाने के चम्मच तेल गरम किया है, उसके अंदर मैं इसके अंदर पोटे डाल रही हूँ। फिर 2 प्याज मैंने ली थी, उसका मैंने पेस्ट बना लिया। 2 अदद प्याज का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। फिर इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच। लाल मिर्च हसबे जायका, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हसबे जायका इसके अंदर शामिल कर दिया हमने। पानी इसके अंदर डाल के हम इसको ढक कर पकाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है, गल जाते हैं, आधा घंटा पौना घंटा इसको लगेगा गलने के अंदर। ये देखें, पानी जब खुश्क हो गया तो हम इसे भून लेंगे दही डालकर। दही डालकर हम इसे भूनेंगे अच्छी तरह से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा जी जनाब। दही मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच इस्तेमाल करें। आप अगर ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप 3 से 4 चम्मच भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3 चम्मच लिए हैं। यहाँ पर आँच तेज़ रखिएगा भूनते वक्त, क्योंकि दही का भी अपना पानी छूटता है, दही का भी अपना पानी निकलता है, ताकि जल्दी से खुश्क हो जाए। ये देखें, दही का पानी खुश्क हो गया है, अब ये भुन चुका है। चिकन के पोटों के अंदर बहुत गज़ाइत होती है। इसके अंदर विटामिन B12 बहुत पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर फैट बहुत कम होता है। गज़ाइत की बात भी हो गई, पोटी के अंदर बहुत गज़ाइत होती है, विटामिन B12 बहुत होता है, और जिन लोगों में खून की कमी है वो इसे ज़रूर खाएं, और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, वेट कम कर रहे हैं, वो भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत लो फैट होता है, इसके अंदर चिकनाई बहुत कम होती है। आपने देखा यहाँ पर जो 4 चम्मच मैंने खाने के तेल के लिए लिए थे, बस वही इसके अंदर तेल है, कोई चिकनाई इसमें एक्स्ट्रा नहीं निकली। इसमें इसका गोश्त जो है बहुत रूखा होता है, फैट नहीं होता, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये देखिए, मैंने इसके अंदर 2-3 खाने के चम्मच का मैंने इसमें भगार किया है प्याज का। प्याज के बघार के से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और बड़े मज़े। बघार के बाद हमने इसके अंदर आखिर में गरम मसाले का पाउडर, जो पिसा हुआ गरम मसाला होता है, वो आधा चाय का चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे, और हरा धनिया हम बारीक काट कर ऊपर से गार्निश कर देंगे। हरे धनिया से इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है, बड़ा मज़ेदार हो जाता है। आप इसे चावल के साथ पसंद करें या रोटी के साथ पसंद करें, बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।